नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इस बार हरियाणा में भी राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुभाष बराला को राज्यसभा कैंडिडेट बनाना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, क्योंकि एक तो सुभाष बराला जाट कम्युनिटी से आते हैं और दूसरा ये कि वो एक किसान नेता हैं। हरियाणा में जाट और किसान वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने ये चाल चली है, क्योंकि बीजेपी को जाट और किसानों का विरोधी माना जाता है और यही दोनों हरियाणा में किसी की सरकार बनाने में अहम किरदार निभाते हैं। जाट और किसानों को खुश करने के लिए इससे पहले बीजेपी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है, तो वहीं MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कराने की किसान हमेशा से मांग करते आ रहे हैं और आज भी इसी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हरियाणा पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, जिसको लेकर हरियाणा के कई बॉर्डर को सील भी किया गया है। लेकिन इस बीच जाट और किसानों को खुश करने के लिए बीजेपी ने दो चाल चली। बात करें सुभाष बराला की, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के वो करीबी माने जाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री खट्टर की सिफारिश पर ही सुभाष बराला को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। अगर ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खट्टर के कहने पर सुभाष बराला को बीजेपी ने चुना है, तो इससे ये साफ होता है कि बीजेपी हाईकमान में CM खट्टर ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और पार्टी के जाट नेताओं का विरोध झेल रहे CM खट्टर ने इस कदम से उन्हें भी चुप करा दिया है। बता दें सुभाष बराला का जन्म 5 दिसंबर 1967 को फतेहाबाद के टोहाना के डांगरा गांव में हुआ था। सुभाष बराला ने बेंगलुरु के HMS पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है। सुभाष बराला साल 2014 से 2020 तक हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे। इसी दौरान सुभाष बराला 2014 से लेकर 2019 तक फतेहाबाद के टोहाना से विधायक भी रहे, लेकिन 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिली। 2019 में टोहाना से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र बबली को जीत मिली और उन्होंने सुभाष बराला को 52,302 वोटों से हराया था। इस हार के बाद सुभाष बराला और देवेंद्र बबली में टकराव बढ़ने लगा। 2019 में मिली हार के बाद सुभाष बराला को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन बना दिया गया और तब से लेकर अब तक वो इस पद को संभाल रहे हैं। बहरहाल अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खट्टर ने एक तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर में मुख्यमंत्री खट्टर सुभाष बराला को लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने पोस्ट में लिखा है, हरियाणा भाजपा के समर्पित एवं कर्मठ सिपाही तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी का नाम राज्यसभा प्रत्याशी के लिए मनोनीत किए जाने पर उन्हें लड्डू खिलाकर बधाई दी। केंद्रीय नेतृत्व के इस निर्णय पर मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तो वहीं बतौर राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर सुभाष बराला ने भी एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव के साथ साथ मुख्यमंत्री खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का धन्यवाद किया है। बहरहाल सुभाष बराला को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने से बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आपके अनुसार सुभाष बराला को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।